है पनीर को अगर हम अलग अलग तरीके से बना के खाते हैं तो ही मज़ा आता है। पहले प्लानिंग किया कि मटर पनीर बनाऊं, फिर प्लानिंग किया छोड़ो यार मटर को साइड में करो, आज हम बनाते हैं काली मिर्च पनीर। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि काजू नहीं था, बादाम थे, तो सोचा चलो बादाम को डाल के बना लिया जाए। तो दो बड़े साइज के प्याज को मैंने चॉप कर लिया, उसको डाल दिया, 5-6 लहसुन की कलियाँ गर्म पानी में, 2 हरी मिर्च काटी हैं और थोड़ा सा अदरक को भी काट के इसमें हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। क्योंकि अगर हम इसको बॉईल करके इस तरह से बनाएंगे ना तो जो हम प्याज की प्यूरी बनाएंगे ना अनियन की, उसमें कच्चेपन की महक नहीं रहेगी। तो हम थोड़ा सा इसको 2-3 उबाल आने तक वेट करते हैं, उससे क्या होगा जो हमारे बादाम है उसका छिलका भी निकल जाएगा और वो भी थोड़ा सा पक जाएंगे। उसके बाद कढ़ाई में रखा है मैंने ऑयल, थोड़ा सा देसी घी रखा है और उसमें 200 ग्राम पनीर को ऐसे क्यूब्स में छोटे छोटे काट के उसको थोड़ा सा हम टॉस कर लेंगे, अच्छे से थोड़ा सा उसको, मतलब फ्राई तो नहीं करेंगे फुली, मतलब थोड़ा सा टॉस कर लेंगे ताकि वो दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए, थोड़ा कलर उनका चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन अच्छा सा कलर आ जाए। फिर ले कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है मैंने 2 चम्मच तेल और उसके बाद ये जो हमने प्याज का जो हमने बॉईल किया था, लहसुन हरी मिर्च प्याज अदरक सब कुछ, इसकी प्योरी बना ली। और इसकी प्योरी बहुत एकदम बारीक पेस्ट तो नहीं बना था मुझसे, जैसा बना उस तरह से मैंने इसको डाल दिया। अब इसको थोड़ा भूनने में हमें टाइम लगेगा क्योंकि प्याज को ही भून रहे हैं हम, टमाटो भी ऐड नहीं करेंगे इसमें, और इसको हम बहुत ही लो फ्लेम पर भूनेंगे नहीं तो एकदम से लग भी जाएगी, क्योंकि इसमें तेल भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। थोड़ा सा पेशेंटली हम इसको भून लेते हैं और जब प्याज थोड़ा सा साइड से लगे कि आपको जलने लग गया है या फिर तेल रिलीज़ कर दे तो हम उसको छोड़ देंगे। अब देखिए थोड़ा सा कढ़ाई भी जलने लग गई है और इसने भी अपनी जगह छोड़ दी है, दैट मीन्स मेरा प्याज की प्योरी पूरी की पूरी भून चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कटोरी दूध। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अभी इस प्याज में हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर हम पहले ही कर देंगे, दूध डाल रहे, नमक वगैरह डाल देंगे तो उसके फटने का डर रहेगा इस प्योरी के, इसलिए अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ 2 कटोरी दूध डाल के मैं इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पर स्टर करते हुए पका रही हूँ। अब लगा कि अभी फटने का डर नहीं है तब मैं इसमें 1 चम्मच दही डाल रही हूँ और जल्दी से हम इसको फिर से स्टर करेंगे, जल्दी से करेंगे और लो फ्लेम पर ही करना है हमने काम, हाई फ्लेम पर नहीं करना है नहीं तो दूध बिल्कुल फट जाएगा, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा दही डाला है। दही को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसमें एक थोड़ा सा बैलेंस बना रहे, क्योंकि हम इसमें टमाटो नहीं डाल रहे और भी कोई चीज़ ऐसी नहीं डाल रहे हैं, तो दूध जो है जब वो बनेगा सब्ज़ी के साथ पकेगा तो मीठेपन के महक देगा जो कि बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसे थोड़ा सा अगर हम दही ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है टेस्ट इसका बैलेंस हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और बस अब इसको तब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इस प्योरी को थोड़ा सा और चला लेते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है गरम मसाला और बाकी 1 टीस्पून ऐड किया है काली मिर्च, क्योंकि जो हरी मिर्च भी डाली है वो भी बहुत तीखी है और जो लहसुन डाला है लहसुन में भी थोड़ा तीखापन होता है। सिर्फ ये 2 ही मसाले डाल रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं डालेंगे। और देखिए तेल भी इसका जो थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर को आने लग गया है तो इसका मतलब हमारी प्योरी पक चुकी है। और बीच में ही मैंने इसमें ये दूध वगैरह डालने के बाद, पकाने के बाद इसमें नमक ऐड किया था जो कि उसके क्लिप इसमें से मिस हुई है, नमक ऐड कर दिया था। बस फिर हम अपने पनीर के पीसेस डालेंगे, थोड़ा सा हिला लेंगे और लास्ट में हम इसमें कसूरी मेथी को मसल कर डाल देंगे। और अब ये लास्ट में मैं इसमें फ्रेश मलाई जो होती है उसको थोड़ा सा फेंट के डाल रही हूँ, मैं क्रीम ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी दूध में पकी हुई सब्ज़ी है बहुत फैटी, मतलब बहुत हैवी होती है, खाने में बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती है, थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में हम इसको खा पाते हैं, और अगर इसमें क्रीम ऐड कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा फैटी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं खाई जाएगी, इसलिए हम घर के मलाई ऐड किए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।